आज हम लोग मजबूर होके यही तीज मना रहे हैं, अपना पतिव्रता धर्म भी निभा रहे हैं और अपने अधिकार के लिए भी लड़ रहे हैं। घर क्यों नहीं? घर कैसे जाते हैं? हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि हमारी बेटियों इस धूप में ही तीज मनाए, रोड पे ही तीज। मेरे सरकार तो अंधी है, बहरे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है और हमारे पदाधिकारी बैठे बैठे धमकी स्पष्टीकरण सब निकलवा रहे हैं। आके बैठी हुई हैं, अभी भी वो सुन ले, अभी भी उनके पास थोड़ी शर्म है तो वो सुने हम लोग की बात। सरकार तो गूंगी है, बहरी है। नमस्कार, मैं राजकमल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, आज हरतालिका तीज है। पूरे देश भर में इस पर्व को सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। अपने पति के लंबी दीर्घायु के लिए, उम्र के लिए ये सुहागिन महिलाएं रखती है। लेकिन अभी हम पटना के गर्दनी बाग में स्थित हैं और गर्दनी बाग धरना स्थल, यहाँ पे एनम की जो कार्यकर्ता हैं वो आज भी धरना स्थल पर ही तीज पर्व मना रही हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये घर क्यों नहीं गई, धरना स्थल पर ही क्यों तीज मना रही हैं। आज तीज का पर्व है जी, बिल्कुल फास्टिंग में है आप। हाँ, धरना स्थल पर ही फास्टिंग में जी, क्यों ऐसा? ये श्रेय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है कि आज हम लोग धरना स्थल पे ही तीज मना रहे हैं। आज हम लोग का 11वां दिन है धरना स्थल पे, लेकिन आज तक कोई उनके तरफ से कोई वार्ता नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आज हम लोग मजबूर होके यही तीज मना रहे हैं, अपना पतिव्रता धर्म भी निभा रहे हैं और अपने अधिकार के लिए भी लड़ रहे हैं। मतलब लग रहा है कि सरकार निरंकुश से बात ही नहीं सुन रही है। बस सरकार, हमारी सरकार अगर बात सुनती तो ऐसा ही नहीं, हम लोग बोलते हैं कि हमारी सरकार अंधी सरकार है, गूंगी सरकार है, बहरी सरकार है। अगर वो सुनती हमारी बात तो आज हम लोग भी अपने घर में खुशी खुशी अपने परिवार के साथ ये तीज और त्यौहार मना रहे होते। काफ़ी ये पल भावनात्मक है कि जहाँ देश भर की तमाम महिलाएँ अपने घर पर अपने परिवार के साथ तीज मना रही हैं और आप लोग धरना स्थल पर तीज मना रही हैं। हाँ, भावनात्मक तो है, हम लोग को भी ये बात खल रही है, हम लोग को भी लग रहा है कि हम लोग भी अपने परिवार के साथ मनाते, लेकिन हमारी सरकार इतनी निकम्मी है कि आज हम लोग को यहाँ पे ला के छोड़ दिया। हम लोग उनकी बहू बेटी, उनकी घर की बेटी बहन सब आज रोड पे आके बैठी हुई हैं, अभी भी वो सुन ले, अभी भी उनके पास थोड़ी शर्म है तो वो सुने हम लोग की बात, सुने और हम लोग की अविलंब काउंसलिंग डेट निकाल के हम लोग की नियुक्ति दे। धरना स्थल पर ही तीज मना रहे हैं जी, हम लोग धरना स्थल पर ही तीज मना रहे हैं। घर कैसे जाते हैं? हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि हमारी बेटियों इस धूप में ही तीज मनाए, रोड पे ही तीज मनाए, इस वजह से हम लोग रोड पे तीज मना रहे हैं, अपने घर में अपने परिवार को छोड़ के जो है यहाँ पे धरने स्थल पे तीज मना रहे हैं। परिवार छोड़कर घर यहाँ धरना स्थल पर? हाँ हाँ, हम लोग 11वां दिन आज है धरना पर, हम लोग आज यही तीज मना रहे हैं। धरना को छोड़ के कैसे घर जा सकते हैं जब तक वो हमको काउंसलिंग के डेटे नहीं निकाले अभी तक? परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे। कर रहे हैं, हाँ हाँ, पर नहीं जाना है घर। हाँ, बच्चे सब भी है, वो लोग भी बोला कि मम्मी आ जाओ तीज है, पर नहीं जाएंगे। जब हम जंग की लड़ाई में उतर गए हैं तो लड़ाई को जीत के ही जाएंगे। क्या लगता है इतना करने के बाद सरकार सुन लेगी? सरकार तो गूंगी है, बहरी है, अंधी है, उनको आवाज़ ही नहीं जा रही है हम लोगों की। आज 11 दिन से यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, फिर भी हम लोगों की बात नहीं जा रही है उनकी कानों तक। कब तक सरकार सुन लेगी? अब तो पर्व भी बीत रहा है धरना स्थल पर। ये तो सरकार को ही पता होगा ना, मेरे सरकार तो अंधी है, बहरे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है और हमारे पदाधिकारी बैठे बैठे धमकी स्पष्टीकरण सब निकलवा रहे हैं, धमकी भी दिया जा रहा है, स्पष्टीकरण आ गया आज। आप लोग क्या लग रहा है, दबाव बनाया जा रहा है? दबाव बनाया जा रहा है, पर हम तो डरने वाले हैं नहीं, जैसे भी होगा हम अपना अधिकार लेके ही रहेंगे। दुर्गा पूजा, दिवाली सब यही? हाँ, सब यही बिताएंगे, तीज मना ही लिए हैं, अब तो दुर्गा दीपावली जितिया भी यही मनाएंगे। अच्छा, अभी तो जितिया भी आ रहे हैं। चलिए, तो आज तीज का पर्व है, देश भर की तमाम सुहागिन महिलाएं अपने परिवार के साथ इस पर्व को मना रही हैं, लेकिन जो एनम कार्यकर्ता हैं वो पटना में भारी धूप में, उमस भरी गर्मी में धरना स्थल पर तीज पर्व मना रही हैं, यानी कि पति धर्म भी निभा रही हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए भी उतरे हुए हैं। भाग की तमाम खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ।